हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारा तेलंगाना स्टेट में चल रहा है। और उसका पूरा एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने स्क्रीन पे दे दूंगा, जो कि आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। पर दोस्तों, विजिट करने से पहले एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। तो दोस्तों, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो है टर्मरिक का हॉरिजेंटल फार्मिंग। तो दोस्तों, हम हॉरिजेंटल फार्मिंग कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉरिजेंटल फार्मिंग में जो कास्टिंग है वो काफ़ी कम लग रही है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है वर्टिकल की अपेक्षा। तो दोस्तों, हमने जो यूज़ किया है, हमने हॉरिजेंटल में हमने बैग्स का यूज़ किया है, जो कि नर्सरी बैग होते हैं, जो कि नॉर्मली हमको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। बैग से भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि HDPE बैग्स हो गए, LDPE बैग्स हो गए और नर्सरी बैग हो गए। बट इन सभी की कास्टिंग अलग अलग होती है। कभी आप LDPE बैग का यूज़ करते हो तो आप एक बैग की कास्टिंग जिसका साइज 1 फीट हाइट और 1 फीट डाया का होता है, उसकी कास्टिंग करीब करीब आपको 35 रुपीज़ पड़ेगी। और LDPE की जो सेम साइज़ का जो बैग है उसकी उसकी प्राइस आपको कम से कम 15 रुपये पड़ेगी। और हमने जो नर्सरी बैग यूज़ किए हैं, इसकी जो कास्टिंग पड़ेगी सेम साइज़ में वो 3 रुपये से 4 रुपये पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, हमने कास्ट कटिंग करने के लिए हमने नर्सरी बैग का यूज़ किया है। तो दोस्तों, इसको हम 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ करके इसको हम यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारा, और हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने 4 फीट का एक बेड बनाया और उसमें हमने करीब 4 से 5 लाइनें लगाई है। तो दोस्तों, ये भी हमारा एक R&D रहेगा, जिसमें कि हमको प्रोडक्शन का एक अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो खुले बेड में करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन कितना आता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जानकारी आपको मिलती रहेगी और दोस्तों, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। कभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और आपके कभी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों, आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और दोस्तों, हमने जो इसमें मीडिया यूज़ किया है ग्रोबैक्स में, वो मीडिया हमने जो पहले वीडियो में बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में हमने मीडिया की का कंपोजिशन बताया था, वही सेम कंपोजिशन रखा हुआ है इसमें। कभी आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।